स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। भीख मांगने आए महिलाओं ने चुरा लिए 7.5 लाख बर्तन। दुकान में आकर बोली भैया कुछ दे दो, दुकानदार अंदर गया, इधर पैसे हो गए पार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शनिवार सुबह दिन दहाड़े चोरी हो गई। यहां 3 महिलाएं भीख मांगने के लिए पहुंची थी। इन्होंने दुकानदार से कहा भैया कुछ दे दो, फिर मौका मिलते ही 7.5 लाख रुपए बैग से पार कर दिए। कुछ देर तक तो दुकानदार को कुछ पता ही नहीं चला। बाद में जब दुकानदार को बैग में पैसे नहीं मिले तो उसने पुलिस से मामले की शिकायत की थी। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरकंडा के लोधी पारा में जय राम मेटल नाम से बर्तन की दुकान है, जिसका संचालन जय राम अग्रवाल करते हैं। जय राम अग्रवाल ने बताया कि रोज की तरह उन्होंने शनिवार सुबह भी अपनी दुकान खोली थी। इस बीच सुबह 10 बजे के बीच दुकान में 3 महिलाएं आई थी। उन्होंने बताया कि महिलाओं ने उनसे भीख मांगा था, तब वो कुछ सेकंड के लिए अंदर गए। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को कुछ पैसे दिए, जिसे लेकर महिलाएं चले गई थी। बताया गया कि महिलाओं के जाने के बाद जय राम को कुछ देर तक कुछ पता नहीं चला था, मगर जब जय राम को ध्यान आया कि उन्होंने काउंटर के पास बैग रखा था, उसमें 7.5 लाख रुपए थे, तब उन्होंने बैग खोलकर देखा। बैग खोलने पर वो भी हैरान रह गए, अंदर पैसा ही नहीं थे। जिसके बाद तुरंत उन्होंने इस बात की जानकारी आसपास के दुकानदारों की दी, साथ ही पुलिस से शिकायत की गई। शिकायत करने पर दुकानदारों को शक हुआ कि कुछ महिलाएं दुकान के आसपास घूम रही थी। उन्होंने आसपास की दुकानों में भी भीख मांगा है, वहीं उन महिलाओं के जाने के बाद दुकान में ऐसा कोई आया नहीं। ये बात पुलिस को भी बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 3 महिलाओं को बिलासपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर घुटकू रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सोनी, कविता राठौर, रंजन पवार बताया है। पुलिस ने बताया है कि पूछताछ में महिलाओं ने बताया है कि वह सभी महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली हैं, जो इस इलाके में भीख मांग रही थी और चोरियां भी की है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार की गई महिलाओं से 7.5 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है।